बी पार्ट थर्ड इनॉग्निक केमिस्ट्री सिलिकॉन्स एंड फोसिजॉन्स के चैप्टर को आज अपन आगे स्टडी करेंगे मैं डॉक्टर नीता कानंगू एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी कॉमन कॉलेज अजमेर आज अपन देंगे हमने सिलिकॉन्स टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स और सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी कर लिया था आज अपन लेंगे सिंथेसिस ऑफ सिलीकॉन्स सिंथेसिस ऑफ सिलीकॉन्स सिंथेस में एल्किल हेलोसिलिन यौगिक जल अवघटित होकर सिलिकॉन बहुलक बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न सिलिन का जल अवगठन कराया जाता है अतः सिलिकॉन की क्रिया दो पदों में संपन्न होती है अपन पहला मेथड ले रहे हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनो हेलोसिलेन्स इसमें पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस में क्या करते हैं ये औद्योगिक महत्व इंडस्ट्रियल यूज में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है इसमें मैथिल क्लोरोसिलिन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है इस विधि में सिलिकॉन चून के साथ सिलिकॉन चून के साथ दस परसेंट कॉपर चून मिलाकर कॉपर चून मिलाकर उसको 300 डिग्री ताप पर मैथिल क्लोराइड की वाश में प्रवाहित किया जाता है अभिक्रिया से हमें मैथिल क्लोराइड प्लस एस कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कई यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है जैसा कि दिख रहा है रिएक्शन में एम ई टू एस आई एस एल टू एम ई एस आई सी एल थ्री एम ई थ्री एस आई सी एल अब इसका मुख्य उत्पाद जो है वो है एम ई टू एस आई सी एल टू जो अदर उत्पाद है इसकी फिफ्टी परसेंट से अधिक मात्रा मिलती है और बाकी को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलग कर लेते हैं इसमें जो अलग रिएक्शंस होती हैं वो कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन चलती रहती है और यह अभिक्रिया एक उष्मा शेपी अभिक्रिया है तो जिसमें एम ई सी एल कॉपर से एम ई सी यू प्लस सी यू सी एल बनाता है एम ई सी यू अगेन एम यू प्लस सी यू बनाता है सी यू सी एल एस आई के प्रेजेंस में सी यू प्लस एस आई सी एल बनाता है और एम ई एस आई सी एल वापस एम एस आई सी एल प्रोडक्ट बनता रहता है इस तरह से क्रिया आगे बढ़ती रहती है पर सिलिकॉन के साथ अन्य एल्किल और हेलोजन मूलक के अंतत मिश्रण प्राप्त होते रहते हैं कॉपर एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है इस अभिक्रिया में एम ई सी एल प्लस एस सी एल के मिश्रण को भी प्रयुक्त किया जा सकता है एम ई सी एल एच सी एल प्लस सिलकन कॉपर तीन सौ डिग्री में एम ई एस आई सी एल थ्री प्रोडक्ट हमें मिल जाता है और इस तरह से हम एक सिंगल प्रोडक्ट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर पाते हैं यदि हम हायर हेलाइट्स को बनाना चाहें तो ये क्रिया कॉपर की प्रेजेंस में नहीं हो पाती इसको हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है 500 डिग्री के करीब टेम्परेचर देना पड़ता है और इसमें एक सिल्वर कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगी एम एस पी एच सी सी एल प्लस एस आई कॉपर फाइव हंड्रेड डिग्री पर ए जी में पी एच टू एस आई सी एल मिलता है तो ये हायर हेल्ड्स हाला, के लिए यूज़ किया जाता है सेकेंड मेथड जो है वो है एरोमेटिक सिलेशन एरोमेटिक सिलेन बनाने के लिए बेंजीन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तीन दो सौ तीस से तीन सौ डिग्री टेम्परेचर पर किसली सिलिकॉन यौगिक के साथ क्रिया कराई जाती है जिसमें एक एस आई एच बॉन्ड प्रेजेंट हो जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है एच एस आई सी एल थ्री जिसमें कि एक एस आई एच बॉन्ड प्रेजेंट है उससे बनाई जाती है और बी एफ थ्री बी सी एल थ्री और ए एल सी थ्री जैसे लुइज़ अम्ल उत्पेरक यूज़ किए जाते हैं कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लुइज अम्ल यानी जिनके पास लोन पेयर होता है इन कैटलिस्ट के, के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एरोमेटिक सिलेंस सी सिक्स एच si फाइव एस आई सी एल थ्री और उन अदर हायर सिलेंस का सिलेंस का मिक्सचर प्राप्त होता है मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो सी सिक्स एच फाइव एस आई सी थ्री मिलता है इसी तरह से हम नेक्स्ट मेथड है ओलिफिनों का हाइड्रोसिलेशन करना इसमें क्या करते हैं ओलिफिन की जो रिएक्शन है जिसमें ऑलिफिन होता है उसकी रिएक्शन ऐसे सिलिन यौगिक से कराते हैं जिसमें कि एक एस आई एच बॉन्ड प्रेजेंट हो जो एल्किनों का या एल्काइनों के साथ ऑलिफिन हो गई एल्किन या एल्काइन और एल्किन और एल्काइन हो गई और सी एल एस आई जिसमें एस आई एच बॉन्ड प्रेजेंट हो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सी एल थ्री एस आई एच टू सी सी एच टू आर ये हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है इसके बाद आते हैं हम कि यदि हमें फैनिल एरोमेटिक यदि कोई सिलेन बनाना है तो हम सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एल टू सी एच टू भी यूज़ कर सकते हैं पर उसमें कैटलिस्ट प्लेटिनियम यूज़ करेंगे और हमें सी एल थ्री एस आई सी एच टू सी एच टू सी सिक्स एच फाइव भी प्राप्त हो सकता है चौथा मेथड है गिनाग निगम से इस विधि में एस आई सी एल फोर का एल्किल तथा एरिल विफन से आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है सामान्य परिस्थितियों में कई उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है और जैसा कि एस आई सी एल फोर आर एम जी से निरीक्षण करें तो आर एस आई सी एल थ्री आर टू एस आई सी एल टू आर थ्री एस आई सी एल एम जी से इस तरह से मिक्सर प्राप्त होता है पर इसकी फिर हम एलॉक्सी सिलेन का गिना गिनार से क्रिया करके इसके विविध संगठन वाले योग बनते हैं जिनका व्यवहार एल्किल क्लोरोसिलिन जैसा ही होता है ऐसा ही और बंद का जल जल अपघटन कराया जाएगा और जल अपघटन कराने के बाद हमें एल्कोक्साइड सिलेन प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद है रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में है जैसे कि पहले हमने देखा कि कई एल्किनो के मिश एल्काइन सिलिंड के मिक्सचर प्राप्त हो रहे हैं तो उनमें से हमें जो कोई महत्व का है यदि हमें उस एक प्रमुख उत्पाद में लेना है तो जैसे एम ई थ्री एस आई सी एल एम ई एस आई सी एल थ्री को ई एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में तीन सौ पचास डिग्री पर गर्म करके हमें मुख्य उत्पाद एम ई टू si एस आई सी एल टू प्राप्त कर लेते हैं इस विधि द्वारा एरिल उत्पन्न को भी प्राप्त किया जा सकता है इसके बाद आता है कार्बनिक हेलोसिलिन का जल अपघटन जैसे कि अपन ने पहले मेथड में दिखा था काब्निक हेलोसिलिन का बनाना उसके बाद है कार्बनिक हेलोसिलेन का जल अपघटन करना तो हाँ, कार्बनिक हेलोसिलिन का जल अपघटन करने के लिए आर थ्री एस आई सेल का जल अपघटन किया जाएगा तो आर ट्रिपल आर एस आई ओ एच बन जाएगा उसका अपघटन करने पर हमें हेग्जा एल्कोडाई यानी जिसमें कि एस आई ओ एस आई ओ बन बनता है आर थ्री एस आई टू ओ के बहुलक प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से दो स्टेप में होती है रिएक्शन पहला स्टेप है सीधा कार्बनिक हेलो का बनाना और दूसरे स्टेप में हम कार्बनिक हेलो का जल अपघटन करते हैं और ये अपघटन करने का जैसे पहला प्रोसेस हमने बताया उसके बाद नेक्स्ट है जैसे आर आर एस आई सी एल टू मिला हमें आर टू एस आई सी एल टू मिला उसका जलापकटन करा तो ओ OH एच ओ एच आ जाएंगे सी एल की जगह और उसके बाद हमें आर आर एस आई ओ आर इस तरह का पॉलीमर बन जाएगा इन श्रृंखलाओं की लंबाई को नियंत्रित भी किया जा सकता है करने के लिए हम आर टू एस आई सी एल टू के साथ कुछ मात्रा आर थ्री एस आई सी एल डाल दिया जाता है जलापठन पर बनी हुई श्रृंखला के सिरे पर आर थ्री si एस आई OH ओ एच अणु संगठित होकर श्रृंखला को बढ़ना बंद कर देते हैं यदि हम आर थ्री डाल देंगे तो तीनों पे आर आ जाएगा और ये श्रृंखला यहाँ पर बंद हो जाएगी इस तरह से ऐसा ही ओ ऐसा ही बंध वैसे तो काफ़ी मजबूत है लेकिन यदि इन्हें पॉलिसों को प्रबल अम्ल अम्लार के साथ गर्म करा जाता है तो ये बंद टूट जाते हैं इस गुण का लाभ उठाकर हम सम्मित और असम सिलिकनों से असमित सिलिन भी बना सकते हैं तो इस तरह से अपन ने ये देखा कि सिंथेसिस ऑफ एल्किन कर सकते हैं जो दो पैथड में कर दो स्टेप में करना है पहले हेलो सिलीकेंस का बनाना और दूसरा उसका फिर जल करना करना तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सिलिकॉन्स एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सिलिकॉन्स के लिए और सिलिकॉन्स के सिंथेसिस में दो स्टेप में आपको ये रिएक्शन जरूर याद करनी है जिसको आप अपन ने दो स्टेप में अभी पढ़ा है सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स पहला कार्बनिक हेलोसिलेन का सिंथेसिस और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ और ऑर्ग्नो हेलोसिले थैंक यू